पॉडकास्ट देखने वाले तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्थी शर्मा और मेरे कैमरामैन अरविंद शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे आप सब जानते हो कि हरियाणा का इलेक्शन इस वक्त चरम सीमा पर पहुंच चुका है और हम आज खड़े हैं कुरुक्षेत्र धर्म नगरी के बीच में और हमारे बीच में यहाँ से विधायक श्री सुभाष सुधा जी खड़े हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे हरियाणा के कुरुक्षेत्र लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में और यहाँ से उम्मीदवार कुरुक्षेत्र से श्री नायब सैनी जी हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुभाष सुधा जी के साथ। सुभाष सुधा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताएं कि यहाँ पर कुरुक्षेत्र धर्म नगरी भी रही है, यहाँ पर हमेशा असत्य पर सत्य की जीत रही है और यहाँ पर जो इलेक्शन है वो इस वक्त कौन सी दिशा में जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से मोटो हैं जिसके तहत आप जनता के बीच में जा रहे हो और जनता का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? और इस बार सबसे बड़ी बात देखने में मिल रही है, जितने भी उम्मीदवार हैं उनका एक तरीके से गांव में जाते हैं कि विरोध हो रहा है, क्या इस तरीके की ऐसी बात है? ये सब चीज़ें हमें बताइए विस्तार में। नमस्कार जी, सर्वप्रथम मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और खासतौर से जो अर्थ प्रकाश न्यूज है उनका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए आए। साथ ही मैं एक ही बात कहूँगा कि क्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है और आपको मालूम है कि यहाँ से भगवान कृष्ण जी ने किस प्रकार से अर्जुन को उपदेश दिया कि वो धर्म स्थली है। उसके साथ मैं एक और इसके बीच में बोलूँगा कि आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने यहाँ से एक भाई नायब सैनी के रूप से पार्लियामेंट का कैंडिडेट उतारा है। साथ ही मैं दावे से कहूँगा आज के बहुत अवेयरनेस आ चुकी है। पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक तो हर आदमी के दूसरे में बड़ा एहसान मिले, जो गवर्नमेंट करे। हमने जो 5 साल के इलेक्शन लड़के हैं उसके दौरान आपने क्या किया, उसका हिसाब का पब्लिक को देना पड़ेगा आपको। और मैं दावे से कहूँगा कि क्षेत्र खास स्तर पर आप खड़े हो, इस स्तर के पास हमने लगभग 1966 से लेकर पूरे आज तक लगभग 2014 तक जितने भी विधायक जितने भी मंत्री बने होंगे उनकी टोटल कैलकुलेशन करके देख लेना। और मैं 4.5 वर्ष का यहाँ से विधायक हूँ, मेरी भारतीय जनता पार्टी यानी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में इतना काम हमने क्षेत्र में करवा दिया होगा, शायद ही कहीं हुआ होगा। साथ ही सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्षेत्र एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ पर पूर्व में प्रधानमंत्री थे गुजरात नंदा जी ने बहुत सुंदर रंगसव बना के दिया, लेकिन उसका पानी जो था रुका हुआ पानी था। जब भी सूर्यग्रहण का मेला अमावास विसर्जनती होती थी लोग कहते छिटा मारे ना भाई ये पानी रुका हुआ है। हमने एक वादा किया था कि हम दूसरा चलता पानी कर देंगे, आज रंगसव का हमने चलता पानी जब से कर दिया। इसी तरह हमारा एक ज्योतिष स्थल है वहाँ पर भी हमने इसका भी चलता पानी कर दिया। रोड्स का बहुत बड़ा हाल था, 4.5-4 फुट के खड्डे थे, लोग कहते थे ये धर्म क्षेत्र ये कुरुक्षेत्र है जहाँ पर 4-4 फुट के खड्डे थे। हमने पहले सबसे पहले रोड्स का काम शुरू किया, के डी पी रोड, रेलवे रोड, आज लोग कहते हैं हम लंदन में आ गए, चंडीगढ़ में आ गए, ऐसी ऐसी बात करते हैं। साथ में 41 कॉलोनी में हमने सिविल व्यवस्था करी, वाटर सप्लाई, 2 सिविल ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर लगाने की व्यवस्था करी, हॉस्पिटल हमने नया यहाँ बना दिया, यहाँ पर एक गवर्नमेंट कॉलेज, हमारी बेटियाँ पढ़ने बाहर जाती थी पानीपत सोनीपत, एक गवर्नमेंट कॉलेज हमने पढ़ने बनाया, नर्सिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बहुत चीज़ें हमने यहाँ पर करी है। इन्फ्रास्ट्रक्चर गाँव के अंदर भी हमने कोई 1966 के बाद जो रोड थी सभी रोड का निर्माण किया, चाहे बारना से बारना से झंझरपुर, बहुत सी सड़कें बनवा, CSC PSC जितने पानी जो हमने स्टेडियम खाने की व्यवस्था करी। साथियों आज मैं दावे से कह सकता हूँ कि कुरुक्षेत्र हमारे वर्ल्ड के मानचित्र बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री के मन में बहुत इच्छा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी विदेशों में जाते हैं एक ही बात वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को, हमारे कुरुक्षेत्र जो जहाँ पर गीता का ज्ञान दिया वो उनको गीता देते हैं, तो उनके उन्होंने कुरुक्षेत्र को किसान सत्र में लिया प्रधानमंत्री जी ने, आदमी प्रधान मिनिस्टर डॉक्टर रमेश शर्मा जी उन्होंने और मुख्यमंत्री 97.5 करोड़ रुपये यहाँ पर दिया। इसके तहत हम 16 किलोमीटर माँ भारत का थीम ज्योतिष हम बना रहे हैं। अभी आप देखिए इंफॉर्मेशन सेंटर, टॉयलेट, क्या क्या व्यवस्था हमने लैटरिन व्यवस्था कर दी है। तो साथियों अभी उस समय हमारे मैं तो दावे से कहूँगा क्षेत्र की जनता को मैं खास तौर पर धन्यवाद दूँगा। आज जो हमारा इलेक्शन चल रहा है कोई उस पर क्षेत्र में ये नहीं कह सकता कि उसकी डेवलपमेंट हुई। आपके सामने अभी 12 मई को लग रहे हैं दावे से कहूँगा 9 विधानसभा में से क्षेत्र हम लोग बन पे। आपने ये क्षेत्र की डेवलपमेंट की बात की है, लेकिन अब हम जुटे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो मैनिफेस्टो था भारतीय जनता पार्टी का, और सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी सदियों से राम मंदिर पर बात कर रही है, 1170 पर बात कर रहे हैं, वो मुद्दे एज इट पेंडिंग पड़े हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये मुद्दे सिर्फ वोट बैंक को कैश करने के लिए ये उसी टाइम ही यूज़ करते हैं जब इलेक्शन होते हैं? मैं कहता हूँ कि आपने देखा है
पुलवामा भी कांड हुआ, उस प्रकार से प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से ये बात कही कि देवतावादी में पाकिस्तान के किस प्रकार से खुले में चुनाव में भी वापसी माने, ऐसा अगर किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार बात की आज में अपने तीन सत्र जब छोड़ेंगे तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी इसको करेगी, राम मंदिर बनाने का काम है तो आप बताइए भारतीय जनता पार्टी। अच्छा सबसे बात है सुधा साहब, जो अब हम बात करें इलेक्शन की, जो ये इलेक्शन है यहाँ पर सैनी वोट बहुत ज़्यादा है, आपको नहीं लगता कि ये अपने पहले यहाँ पर एम पी थे सैनी साहब, थे राजकुमार सैनी साहब, अच्छा ये सैनी वोट अगर यहाँ पर नायब सैनी जी भी खड़े हैं और इन दोनों के खड़ने से सैनी वोट डाइवर्ट होगी, आपको ये लगता नहीं किस तरीके की हो सकता है इलेक्शन के अंदर, क्योंकि इसी इलेक्शन में ऐसे होता है पिछले जमाने में तो द्रोणाचार्य जी ने चक्र भी बनाया था, इस बार तो जनता ने चक्र भी बनाना है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? लेकिन यहाँ से बहुत छोटा चेहरा पैदा सैनिक ने यहाँ से दिया है, आज जो वोट पड़ रही है अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से वोट पड़ रही है, पूरे मैं कहूँगा दो साल का बच्चा है वो भी कहता है प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट दीजिए, ये बहुत बड़ी बात है, बच्चा तो भगवान पर ही करता है, इतनी बात कह रहे हैं उनसे वोट लग सकते तो वोट लग गया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पूरी हिंदुस्तान में अगर लिखा है तो मैं दावे से कहूँगा एक ही वोट चाहे वो छत्तीसगढ़ किसी भी नागरिक का है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मैंने वोट के पास आपने फैसले की कई अब इस बात सबकी जहन में एक बात आ रही है, आपने भी लिखा होगा आप भी कौन चीज़ हो कि सारी जगह पर कुछ जगह पर जब कोई हमारे एम पी जाते हैं कहीं तो उनका विरोध हो रहा है, विरोध उनका कारण क्या है, इसकी अगर देखना है वाकई विरोध हो रहा है तो क्या क्या कहने चाहिए, क्योंकि जनता सभी ये बात सुनने जानना चाहती है कि वो कह रहा है इसके बारे में। आजकल सोशल मीडिया का और आजकल मैं कहूँगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का समय है, क्या होता है जो जनसभा होती है ठीक है, वहाँ पर कुछ दूसरी पार्टी का लोग बात करें कि शायद उसके कारण कई ना हम लोग ऐसी बात होती है, मैं कहूँगा आज पूरे हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के किसी कैंडिडेट का पूछ रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री के नाम पर। तो भाइयों बहनों आपने देखा कि कुरुक्षेत्र धर्म नगरी से श्री सुभाष सुधा जी एमएलए उन्होंने कितने डेवलपमेंट के कार्य कराए हैं इन्होंने बताया, और वो कार्य बोलते भी हैं कि हम ये हम भी इसलिए कह सकते हैं कि इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल यहाँ पर लगता है और इंटरनेशनल लेवल पर जो मकाम बना कुरुक्षेत्र में उसके अंदर सुभाष सुधा जी का भी योगदान है इसको हम कह सकते हैं, उन्होंने अपने कार्य से किया और हमें उम्मीद करते हैं कि जो आदरणीय मोदी साहब ने आपकी ड्यूटी लगाई है, मुख्यमंत्री साहब ने जो उम्मीदों के साथ ड्यूटी लगाई है उस ड्यूटी पर दुकान आपको सफल बनाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साहब ने और मैं साथ में आज की बहुत बड़ा सौभाग्य है इस स्थल पर हमारे क्षेत्र खड़े हैं, यहाँ पर हमने प्रधानमंत्री मोदी कल 8 तारीख को 11:30 में, इसका मतलब है कल यहाँ पर महाभारत का श्री गणेश होगा धर्म युद्ध का, ये कह सकते हो श्री गणेश, मैं कहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शंखनाथ वो करेंगे यहाँ पर, शंखनाथ कर देंगे शंखनाथ के साथ महाभारत की टोटल जो हमारी पार्लियामेंट है कि मोदी ने पार्लियामेंट कर देंगे। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।